भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। बहन की शादी है, मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ, आराम से शादी करो, मेरा आशीर्वाद है। तेरी बहन की ऐसी शादी होगी कि जैसे कोई राजकुमारी की शादी हो रही है। चिंता मत करना बेटा, गोवर्धन नाथ गुरु हमेशा बात कहता है तो पूरी ठोक बजा कर कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। काहे को चिंता करे? तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि कोई रानी की शादी हो, राजकुमारी की शादी हो, काहे को चिंता करना। गुरु हमेशा सांत्वना बहुत अच्छी बताता है, मत डर, टिक जा, काहे को चिंता करना। जाने लगा। अब इसको लगा कि गुरुजी हो सकता पैसा खूब देंगे, मेरी बहन की शादी राजकुमारी जैसी है। तो गुरुजी ने अपने दूसरे चेले को कहा, जा अंदर 2 किलो अनार रखे ला के दे दे, रस्ते में जाएगा खा लेगा बेचारा, जा ले जा। 2 किलो अनार बुलवा कर गुरुजी ने उसको दे दिए। वो अनार लेकर चला, दोस्त साथ में था, उससे कहा बताओ ऐसा पापीड़ा गुरु मिला, इतना धन गुरुजी के पास, ऐसा पैसा, इतना आश्रम, इतनी दौलत, इतनी जमीन, इतनी गाड़ी, इतना बंगला, मेरी बहन की शादी के लिए जरा सा कुछ नहीं दिया, ने 2 किलो अनार दिया, कई करूं अनार का। अब उसने कहा, दोस्त बोला तू फालतू बात मत कर, गुरु गुरु होता, दे दिया ना अनार, बस अपने बच्ची अपनी बहन, शादी अपने को करना है कि गुरु जी करना है, अपने माता पिता ने अपने बल पे पैदा करा कि गुरु जी के बल पे पैदा करा, चलो ले चल। अनार लेकर जा रहे थे, बीच रस्ते में एक राजा बीमार पड़ा हुआ था। डॉक्टर वेदों ने कह दिया था इसका एक ही इलाज है, अनार का रस बनाया जाए, अनार के जूस में ये दवाई मिलाई जाए, राजा को 3 दिन पिलाई जाए, राजा ठीक हो जाएगा। पूरे नगर में देखा तो अनार नहीं था, पूरी राज सत्ता में अनार नहीं था, ये निकल कर जा रहा था। इसने कहा अनार मेरे पास में है, वो 2 किलो अनार दे दिए, राजा ने दवाई में मिला मिला कर पिया, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा मरते हुए व्यक्ति को तूने जीवित करा है, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मैं तो अनार लेके अपनी बहन की शादी में जा रहा था, गरीब रहा हूं, मेरी बहन की शादी। अरे तू काहे की चिंता करता है, तेरी बहन मेरी बेटी के तुल्य है, अब तेरी बहन की शादी होगी तो राजकुमारी जैसी होगी, राज सिंहासन से दौलत भेजी, सत्ता भेजी, धन भेजा। ऐसी शादी हुई कि पूरा नगर देखता रहा। वो दौड़ कर आकर गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरु जी तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, धन भले ना दे आशीर्वाद से तार देता है। गुरु धन भले ना दे पर गुरु विश्वास रख कर कहता है तू ऐसा कर ले हो जाएगा, जा। काय को रो रहा है, काय को आंसूड़ा भर रहा है, जा मिल जाएगा, काय को टेंशन ले, गुरु के वचन। प्रथम धन भले नहीं देगा गुरु, पर तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल कर देगा कि परमात्मा को मिलने में देरी ना हो। महाराज गुरु के शब्द, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, वचन। जो वचन कहे गुरु वह सिद्ध हो जाए। महाराज भजन पूजन पाठ स्मरण आपका प्रबल होता है तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, याद रखना। आपके भी संग ऐसा हुआ होगा, कई बार आपकी माँ, कई बार आपके पिता, कई बार आपकी पत्नी, कई बार आपका पति कोई ऐसा शब्द कह देता वो सही हो जाता, कारण या तो आपके माता पिता या आपकी पत्नी, या आपने कभी भजन बहुत करा है, तप बहुत करा, व्रत बहुत करे, खूब सत्संग भजन पूजन करती हो ना तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तो आप किसी को कह देते हो ऐसा मत कर ऐसा हो जाएगा, वो वाणी सिद्ध हो जाती है, ऐसा कर ले ऐसा हो जाएगा। क्यों? आपके भजन में इतनी प्रबलता हो जाती है, आपके तप में इतनी प्रबलता हो जाती है कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है।